गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। तो हम मैथ्स करते हैं। मैथ्स में हम चैप्टर नंबर 4 सब्स्ट्रैक्शन चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको ये वार्म अप में दिया था, ये वाला भी मैंने आपको वार्म अप में दिया था, और ये मैंने थोड़ा बेसिक आपको सिखाया था ब्लॉक काउंटिंग करके। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पर वर्कशीट हमारी है, यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर है 6 tens and 8 ones और यहाँ पर है +9 ones। तो हम क्या करते हैं इसमें के 8 है तो 10 + 8 कितने होंगे, 18, 18 - 9 तो 9, ऐसे ही 6 है तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो 5 tens। वैसे ही यहाँ पर 14 - 9 तो काउंटिंग करेंगे हम, तो 14 में से हम 9 को लेस करेंगे तो कहाँ है 14, यहाँ पर है तो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, समझ में आया। और यहाँ पर क्या आएगा 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 8 लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर है 7 8, तो हम यहाँ पर 7 की जगह पर क्या लेंगे 17, और 17 है तो यहाँ पर 4 की जगह पर उसके ऊपर का लेंगे क्या आएगा 3, तो 17 - 8 कितने होंगे, काउंटिंग में करो, ऐसे भी कर सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17, इसमें से हम कितने लेस करेंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो कितने बाकी रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 9। 3 - 1 कितने है होंगे 2। तो ये जो दो एग्जाम्पल है वो आपको खुद से करने हैं, और इसकी वर्कशीट भी मैं आपको भेजूंगी। वैसे ही ये सब्सट्रैक्ट करना है हमें, मैंने जैसे आपको सिखाया वैसे। तो यहाँ पर भी हम 5 है तो हम क्या लेंगे 15, और यहाँ पे हम काउंटिंग में लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15, उसमें से हमें कितने लेस करने हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, तो कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 है और यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब यहाँ पर हम क्या लेंगे बोलो बच्चों, 1 है तो हम यहाँ पर 0 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, ओके। वैसे ही आपको ये एग्जाम्पल भी करना है, ये एग्जाम्पल भी करना है, और ये सारे एग्जाम्पल करने हैं वर्कशीट में मैं आपको दूंगी। तो ये पूरा आपको समझ में आया कैसे करना है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फोन करना, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।